The ultimate luxury is being able to relax and enjoy your home. And guys, look at this house. Isn't it perfect where you can relax and enjoy your quality time with your friends and your families? So hey everyone, this is Taranum, your host from Tri-City Property Guru, and here I am to show you our another luxurious project named as Rosette Homes. प्रोजेक्ट है रोजेट होम्स, वो लोकेटेड रहने वाला है आपके ईस्ट वीआईपी रोड जरकपुर में एंड कनेक्टेड रहेगा आपके दिल्ली अंबाला हाईवे के साथ। इन्वेंट्रीज की बात की जाए तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगी। फर्स्ट कम्स योर 3 BHK एंड सेकेंड वन इज योर 3+1 BHK, जिसमें आपको एक स्टोर साथ में प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर हम इसके साइज एंड इसके प्राइस की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है आपका 1620 स्क्वायर फीट का 3 BHK, जिसका जो आपका प्राइस रहेगा वो रहेगा आपका स्टार्टिंग फ्रॉम 58,90,000 से। सेकेंड कम्स योर 1950 स्क्वायर फीट 3 BHK, जिसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा आपका स्टार्टिंग फ्रॉम 66,90,000। एंड थर्ड वन कम्स योर 3+1 BHK, जिसका जो आपका साइज है वो रहेगा आपका 2350 स्क्वायर फीट, जिसका प्राइस रहेगा आपका 80,90,000। सो गाइज, ये थी हमारी इन्वेंट्रीज एंड उनके प्राइस, जिसका स्टार्टिंग का आइडिया मैंने आपको दे दिया, क्योंकि आप हमेशा बोलते हो मुझे वीडियो में कि मैम आप प्राइस क्यों नहीं बताते। तो इस बार मैंने आपको प्राइस भी पूरा क्लियर कर दिया है पूरे प्रोजेक्ट में जितनी भी इन्वेंट्रीज हैं सभी का। सो आइए अब करेंगे हमारी वीडियो को शुरू एंड आपको पूरे प्रोजेक्ट का टूर करवाऊंगी। स्टार्टिंग करेंगे हम हमारे मेन गेट से, तो आइए लेट्स गो। सो गाइज, दिस इज द एंट्री एंड एग्जिट गेट ऑफ आर प्रोजेक्ट रोजेट होम। सिंगल एंट्री एंड एग्जिट रहने वाला है, जहाँ पे आपको मिल जाती है 3-tier सिक्योरिटी। लाइक आपकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है प्रोजेक्ट में। तो आइए चलते हैं अंदर एंड अपने प्रोजेक्ट को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं, बाकी चीज़ें भी आपको दिखाती हूँ, आइए। सो गाइज, रोजेट होम इज़ अ कम्प्लीट 7.5 acres टाउनशिप, जिसमें आपको डिफरेंट एमिनिटीज़ भी मिल जाएंगी। इन्वेंट्रीज में आपको बता चुकी हूँ, एमिनिटीज़ की बात कर लेते हैं। 4 पार्क हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे काफ़ी बड़े, जिनमें आपका किड्स प्ले एरिया भी आ जाएगा, आपके जॉगिंग ट्रैक्स आ जाएंगे, सिटिंग के लिए आपके गजीबोज आ जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका यहाँ पे 6,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस रहने वाला है, जिसमें आपका जिमनेजियम, आपका स्विमिंग पूल, योगा सेंटर, योर पार्टी हॉल, लाइक सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। एंड गाइज, उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, ये आपके इनर रोड हैं प्रोजेक्ट के, तो कितने वाइड रोड आपको यहाँ पे मिल रहे हैं आप देख लीजिए। आपका जो एंट्री एंड एग्जिट है वो आपके सेपरेट लेन्स रहने वाले हैं, जिससे आपको फ़ायदा हो जाएगा कि आपको ट्रैफिक का यहाँ पे कोई भी इशू नहीं होगा। बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट के कंसेप्ट की, तो S+4 का कंसेप्ट है। एंड आपका जितना भी पार्किंग रहेगा वो आपका स्टिल्ट में आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो ये आपका नीचे स्पेस आ जाएगा जहाँ पे आप अपनी गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पे कर सकते हैं। सो गाइज, अब चलते हैं हमारे सैंपल अपार्टमेंट में आफ्टर दिस, एंड आपको पूरा अपार्टमेंट भी मैं टूर करवा देती हूँ एंड क्या चीज़ें उसमें रहने वाली हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं, आपको घर के आइडियाज़ भी मिल जाएंगे बहुत सारे। तो आइए चलते हैं। सो गाइज, दिस इज़ योर कॉरिडोर एरिया। एक फ्लोर पे आपके 2 अपार्टमेंट्स रहेंगे, जिसमें एक्सेस करने के लिए आपके पास स्टेयरकेस भी प्रोवाइडेड है। एंड मेरे पीछे यहाँ पे लिफ्ट भी आप देख सकते हैं, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ रहेगा आज का हमारा सैंपल अपार्टमेंट इन द साइज ऑफ 1950 स्क्वायर फिट, जो आज मैं आपको टूर करवाने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं अंदर एंड देखते हैं हमारे सैंपल अपार्टमेंट को, जो बना हुआ है बहुत ही लग्जरियसली। गाइज, इसका जो इंटीरियर है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुली डन है, जहाँ से आपको बहुत सारे आइडियाज भी मिल जाएंगे कि आपको अपना घर किस तरीके से डेकोरेट करना चाहिए। सो लेट्स गो इनसाइड। सो गाइज, दिस इज आवर लग्जरियस अपार्टमेंट, जिसमें एंट्री में ही सबसे पहले आ जाता है आपका ये वुडन डोर,
9 फीट लॉन्ग आप पे ये डोर रहने वाला है जिसमें आप डिजिटल लॉक यहाँ पे देख सकते हैं। एंड एज यू मूव फॉरवर्ड यहाँ पे आ जाता है हमारा बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड आर ड्राइंग एरिया विच कम्स इन द साइज ऑफ 12.5 x 13। गाइज बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने ये डेकोरेट कर रखा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। पहले हम सिटिंग अरेंजमेंट से शुरू करते हैं, तो आप यहाँ पे सोफ़ा देख लीजिए, आपका 8-सीटर सोफ़ा यहाँ पे इन्होंने एडजस्ट करके रखा है विद दीज 2 सीट्स। यहाँ पे सेंटर में आप टेबल भी देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप अपने अपार्टमेंट में जब भी आप यहाँ पे परचेज करेंगे आप किस तरीके से सिटिंग अपना अरेंज कर सकते हैं एंड कितना सिटिंग आपका अरेंज हो सकता है। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करेंगे वॉल्स की, तो इन्होंने यहाँ पे वॉल पे आपका पूरा पैनलिंग करके रखा है विच इज़ लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका एसी का डक्टिंग यहाँ पे रहेगा प्रॉपर, इस तरीके से आप भी अपना एसी वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे आपका जो फॉल सीलिंग है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुली डन है, बीच में आपका ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा शैंडलियर आ जाएगा। आप भी कुछ इस तरीके का अपने घर में ऐड कर सकते हैं ताकि आपका जो घर है उसमें और भी लाइटिंग ऐड हो सके एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक एम्बियंस क्रिएट हो सके। एंड गाइस इसी के साथ आपकी बालकनी भी अटैच आ जाएगी जो मैं आपको दिखाऊंगी हमारे फर्स्ट बेडरूम से, क्योंकि आपकी कॉमन बालकनी रहने वाली है विद योर ड्रॉइंग एंड योर फर्स्ट बेडरूम। मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे आ जाएगा हमारा डाइनिंग स्पेस विच कम्स इन द साइज ऑफ 12 x 14। बहुत ज़्यादा स्पेशियस एरिया है गाइज, लाइक आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 6-सीटर यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है जो आपका डाइनिंग टेबल है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा डाइनिंग टेबल इंस्टॉल किया है। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं अगर आपका फैमिली थोड़ा सा बड़ा है तो आप 2 चेयर्स यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं इस साइड एंड वहाँ पे, उससे भी आपका बिल्कुल भी कंजेस्टेड नहीं होगा एरिया। इतना ज़्यादा स्पेस मेरे पास यहाँ पे बच रहा है ऑलरेडी ये टेबल इंस्टॉल करने के बाद भी। कमिंग टू दिस साइड यहाँ पे अगर आप देखेंगे पूरी वॉल पे इन्होंने ग्लास वर्क करके रखा है जिससे जो घर है वो और भी ज़्यादा निखर के आता है और भी ज़्यादा स्पेशियस लगता है क्योंकि आप मिरर में हर चीज़ की रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। एंड इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने स्पेस का यूटिलाइजेशन करके, मैं कहूँगी बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन करके यहाँ पे इन्होंने क्रॉकरी यूनिट बना दिया है, तो आप भी कुछ ऐसा अपने घर में कर सकते हैं एंड लाइक काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत लग्जरी बना देता है आपके घर को। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने विद ग्लास यहाँ पे क्रॉकरी यूनिट ऐड करके रखा है, तो बहुत ही अच्छी लुक दे रहा है ये आपके डाइनिंग एरिया को। अब आएंगे हम इस साइड, तो यहाँ पे भी आप एक ब्यूटीफुल सा चेस्टर देख सकते हैं विद मिरर, आप भी कुछ ऐसा अपने घर पे कर सकते हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे अगेन आपका ब्यूटीफुल शैंडलियर यहाँ पे ऐड किया इन्होंने बिल्कुल टेबल के ठीक ऊपर, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आ जाएगा आपका पूजा स्पेस जो आपके 3BHK में आपको मिल रहा है, इसको भी आप मल्टीपर्पसली यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये आपका सैंपल अपार्टमेंट है तो इन्होंने इस तरीके से डेकोरेट करके रखा है। अगर आप चाहेंगे इसको अपना स्टोर भी बना सकते हैं, यहाँ से कवर कर सकते हैं आप इसको, अपना स्टोर भी बना सकते हैं या फिर छोटा मोटा लाइब्रेरी अगर बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। सो गाइज ये था हमारा ड्रॉइंग एंड आर डाइनिंग एरिया जो अब मैं आपको कंप्लीट दिखा चुकी हूँ। अब चलेंगे हमारे किचन में जो ठीक रहेगा इसके सामने, यहाँ पे आइए। सो कंप्लीट मॉड्यूलर किचन रहने वाला है। अगर मैं साइज की बात करूं तो इसका साइज रहेगा 7.5 x 10। जैसे कि आप देख सकते हैं पैरेलल में आपका 2 स्लैब्स आ जाएगा यहाँ पे। स्टार्टिंग से ही बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो इन्होंने सिंपल अपार्टमेंट में यहाँ पे ना ये पार्टीशन ऐड करके रखा है आपके डाइनिंग एंड आर्ट आपके किचन में, तो विच इज़ लुकिंग वेरी नाइस। एंड ये आपके जो दोनों पार्ट्स होते हैं ना उनको भी सेपरेट कर देता है, तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको आइडिया ले सकते हैं, आप कुछ अपने घर में भी ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा स्पेस आपके रेफ्रिजरेटर के लिए। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा रेफ्रिजरेटर लगा है, अगर आपका फ्रिज इससे भी बड़ा है वो भी आप लगा सकते हैं इजीली, काफ़ी स्पेस है आपके पास। यहाँ पे आ जाएंगे कंप्लीट आपके अप्लायंसेस, उनके लिए स्पेस जहाँ पे आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, योर माइक्रोवेव, योर OTG एंड अदर भी आपको काफ़ी अच्छे स्टोरेज ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड इस तरफ रहेगा देन आपका सिंक, ड्यूल सिंक मिल रहा है आपको जहाँ पे आप ये फॉसेट्स देख सकते हैं। ऊपर आ जाएगा स्पेस आपके यूटेंसिल्स के लिए, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है।
कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे ये जो आपका कुकिंग काउंटर रहेगा वो कंप्लीट आपका ग्रेनाइट का आ जाएगा. ऊपर आ जाएगा यहाँ पे आपका चिमनी, योर हॉब, योर कैबिनेट्स. आपको कैबिनेट्स यहाँ पे भी देख सकते हैं आप गाइज. नीचे भी आपके कैबिनेट्स हैं एंड ऊपर भी आपको स्पेस दिया गया है. बहुत कम किचन में आपको ये स्पेस देखने को मिलता है. यहाँ पे आपको ये कैबिनेट्स मिल रहे हैं, मतलब आपको स्टोरेज की कोई कमी नहीं होने वाली है. तो काफ़ी सारी स्टोरेज आपको मिल जाएगी. लोअर कैबिनेट्स की बात करेंगे तो दे कम्स विद सॉफ्ट क्लोजर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. इसमें भी आपको डिफरेंट साइज के कैबिनेट्स मिल जाएंगे, बड़े भी छोटे भी, जैसे कि आप अपना सामान जो है वो सेट करना चाहें, मैनेज करना चाहें, आप कर सकते हैं. यहाँ पे भी आपको अटैच आपका बालकनी यूटिलिटी एरिया मिल जाएगा, जो आपके आपके सेकेंड एंड थर्ड बेडरूम के साथ कनेक्टेड रहेगा, तो वो मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगी. सो गाइज, नाउ वी आर ऑल डन विद आर ड्रॉइंग, डाइनिंग एंड आर किचन. सारी चीज़ें दिखा चुकी हूँ मैं आपको. अब चलेंगे रूम्स की तरफ. तो यहाँ पर रहने वाला है हमारा फर्स्ट बेडरूम. बट उससे पहले गाइज, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर लीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट सुंदर सुंदर एंड लग्जरियस घर की वीडियोज, जो आप घर बैठे देख सकते हैं. आपको कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है, बस आप वीडियो देखिए एंड अपना घर चूज कर लीजिए. सो आइए फर्स्ट बेडरूम में चलते हैं. सो इसका साइज रहेगा आपका 12x11. फर्स्ट बेडरूम है आपका, और साइज देख लीजिए. आपका बेड आ जाएगा सेंटर में, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. बहुत सिंपल एंड सोबर बेड इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है. पीछे वाला अगर आप वॉल देखेंगे, इस पे आपका पूरा पैनलिंग आ जाएगा. यहाँ पे भी आप पैनलिंग देख सकते हैं, पूरा काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट कर रखा है. एंड गाइज, बेड के बाद भी वहाँ इतनी स्पेस बच जाती है कि आप काफ़ी बड़ा साइड टेबल इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे आप वहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे भी आ जाएगा आपका, फिर भी मेरे पास मूव करने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे बच रहा है. यहाँ रहेंगे आपकी कबर्ड्स. जैसे आप यह लेआउट देख लीजिए, यहाँ पे स्पेस देख लीजिए, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है. यहाँ पे भी एंड आफ्टर दिस ऊपर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी इन्होंने काफी अच्छी लाइटिंग ऐड करके रखी है. आप भी कर सकते हैं ऐसा. फॉल सीलिंग आ जाएगी विद एलईडी लाइट्स, जिसमें आपका काफी सारा लाइटिंग आ जाएगा. कमिंग टू दिस वॉल, यहाँ पे आ जाएगा स्पेस आपके एलईडी के लिए. आप चाहेंगे तो एलईडी पैनल भी यहाँ पे लगा सकते हैं या डायरेक्ट एलईडी भी लगा सकते हैं. एंड यहाँ रहेगी आपकी एसी की डक्टिंग, जहाँ पे आप अपना एसी इंस्टॉल कर सकते हैं. एंड गाइज, इसी रूम में आपका जो बैल्कनी है एंड योर वॉशरूम भी अटैच रहेगा. तो पहले हम बैल्कनी चेकआउट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे वॉशरूम में. तो आइए. सो गाइज, ये रहेगी बैल्कनी आपके ड्रॉइंग एरिया एंड योर फर्स्ट बेडरूम के साथ कनेक्टेड. स्पेस देख लीजिए, बालकनी का काफ़ी अच्छा दिया गया है. एंड फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, रेलिंग का हाइट भी काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है रेलिंग. फ्लोरिंग की बात करेंगे, सारा आपका इंटेस्किट फ्लोरिंग आ जाएगा यहाँ पे आपकी बालकनी में. कभी भी पानी वानी आएगा, बारिश का पानी भी कभी आए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी उस वजह से. सो आइए चलते हैं अंदर. सो गाइज, आफ्टर आप बालकनी, अब हम चलेंगे हमारे वॉशरूम में, जो रहेगा आपका इस साइड. सो साइज देख लीजिए पहले वॉशरूम का, काफ़ी अच्छा साइज आ जाएगा. एंटेस्किट कंप्लीट फ्लोरिंग रहेगी आपकी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. आपका सीट है, आपका बेसिन, वैनिटी, योर मिरर, योर गीजर एंड एग्जॉस्ट के लिए स्पेस आ जाएगा आपका प्रॉपर, जहाँ पे आप अपना एग्जॉस्ट लगा सकते हैं. एंड टैप्स, आपके जो शार है वो भी आपका प्रॉपर इंस्टॉल मिलेगा आपको. वॉल लेंथ पे अगर आप टाइलिंग देखेंगे तो काफ़ी बड़े साइज की टाइल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, जो एक काफ़ी अच्छा फिनिश लुक आपके वॉशरूम को दे देती हैं, आपके वॉल्स को दे देती हैं. तो काफ़ी अच्छा वॉशरूम बनाया है इन्होंने यहाँ पे. सो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम. अब चलेंगे हमारे सेकेंड बेडरूम में, जो रहेगा आपका किचन के ठीक सामने. तो आइए. सो इसका साइज रहेगा आपका 10.5x13.5 स्क्वायर फिट. काफ़ी बड़े साइज का बेडरूम आ जाएगा. ये बेडरूम आपका बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट के साथ है, बिल्कुल डिफरेंट थीम आ जाएगा, डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे. जैसे कि हमने फर्स्ट बेडरूम देखा था, उसमें आपका जो थीम था वो ब्लू एंड वाइट था. इसमें जो आपका थीम है वो है आपका ब्राउन एंड वाइट. जैसे वॉल्स आप वाइट देख सकते हैं, यहाँ पे वाइट भी नहीं बोल सकते, क्रीमिश वॉल्स हैं जिन पे आपका कंप्लीट वॉलपेपर ऐड किया गया है. पीछे आप ये पूरा ब्राउन देख सकते हैं, आपके ये पूरा पैनल वर्क आ जाएगा बेड के पीछे आपका,
जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपका जो बेड है उसमें भी आपके काफ़ी ब्यूटीफुल कलर्स ऐड किए गए हैं। तो अगर आप भी मतलब अपने रूम को डेकोरेट करना चाहते हैं किसी यूनिक तरीके से, तो आप भी कुछ ऐसे आइडियाज़ ले सकते हैं। यहाँ पे रहेंगे आपके कबर्ड्स, लेआउट देख लीजिए, काफ़ी अच्छे हाइट के कबर्ड्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। नीचे भी काफ़ी स्पेस है, अंदर भी आपके कैबिनेट्स आ जाएंगे जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं, ऊपर भी आपको स्पेस दिया गया है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे भी आपका काफ़ी अच्छा स्पेस आ जाएगा। इसके साथ भी आपकी बालकनी अटैच रहेगी जो मैं आपको थर्ड बेडरूम से दिखाऊंगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कॉमन बालकनी है आपके किचन, सेकंड बेडरूम एंड थर्ड बेडरूम की। ऊपर इसमें भी आपका फॉल सीलिंग है विद एलईडी लाइट्स, बीच में आप ब्यूटीफुल सा शैंडलियर देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरफ का वॉल अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने लिटिल वुडन वर्क ऐड करके रखा है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने पहले बताया था आपका ब्राउन थीम आ जाएगा। एंड देन इस वाली वॉल पे आपका एलईडी प्लेस कर सकते हैं आप, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहेंगे तो एलईडी पैनल भी बना सकते हैं। यहीं पे रहेगा आपका एसी का डक्टिंग जहाँ पे आप अपना एसी इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड गाइस इस तरफ आ जाएगा आपका वॉशरूम, अगेन यहाँ पे भी आप पूरी फिटिंग्स देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा वॉशरूम बनाया है। एंटीस्केट आपकी फ्लोरिंग आ जाएगी एंड वॉल लेंथ पे अगेन आपका काफ़ी बड़े साइज का टाइल आ जाएगा जो आपकी वॉल्स को काफ़ी अच्छा फिनिश्ड लुक दे रहा है यहाँ पे। सो ये था हमारा सेकंड बेडरूम। अब यहाँ है हमारा थर्ड बेडरूम, रूम के बिल्कुल सामने। सो इसका भी साइज आपका सेम रहेगा एज योर सेकंड बेडरूम, 10.5 x 13.5, दोनों सेम साइज के बेडरूम आ जाएंगे आपके। इसमें भी आप देख सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट थीम। यहाँ पे आप देखिए काफ़ी मिक्स्ड कलर्स इन्होंने यहाँ पे ऐड करके रखे हैं, जिसमें आपका ग्रे है, ब्लू है, आपका क्रीम कलर है, लाइक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है यहाँ पे। पीछे का वॉल अगर आप देखेंगे, इस पे पूरा पैनल वर्क आ जाएगा एंड लिटिल बिट इसमें आप ग्लास का यूज़ भी देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है ये अगर आप भी अपने रूम में ऐड करना चाहें। बीच में आपको स्पेस मिल जाता है अगर आप अपना फैमिली पिक्चर यहाँ पे लगाना चाहें, कपल पिक्चर लगाना चाहें, तो उसके लिए भी स्पेस आ जाता है। तो काफ़ी अच्छा मतलब डिज़ाइन है ये आपके रूम के लिए अगर आप भी अपना रूम सेट करना चाहते हैं। कबर्ड्स आपके यहाँ रहेंगे, देख लीजिए काफी अच्छे स्पेस के साथ, काफी अच्छे लेआउट के साथ आ जाते हैं। देन यहां पे भी स्पेस आ जाता है। ऊपर आपका एलईडी लाइट्स के साथ आपका फॉल सीलिंग आ जाएगा, बीच में यहां पे भी लाइटिंग देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर सा। कमिंग टू दिस वॉल, यहां पे आप अपना एलईडी प्लेस कर सकते हैं, उसके लिए स्पेस मिल जाता है आपको। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो इन्होंने स्पेस का यूटिलाइजेशन करके यहाँ पे एक छोटा सा यूनिट ऐड कर दिया है। अगर आप चाहेंगे यहाँ पे अपना स्टडी टेबल एक बना सकते हैं विद चेयर, इतना स्पेस आपको बच जाता है इतनी सारी चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद भी। यहाँ पे ठीक ऊपर रहेगी आपकी एसी की डक्टिंग जहाँ पे आप अपना एसी इंस्टॉल कर सकते हैं। गाइस इस रूम के साथ भी आपका जो बालकनी है एंड योर वॉशरूम अटैच रहेगा। पहले बालकनी दिखा देती हूँ जो आपके किचन, योर सेकंड बेडरूम एंड थर्ड बेडरूम के साथ कनेक्टेड रहेगा, कॉमन बालकनी है, आ जाइए। सो ये आ जाएगी आपके घर की सेकंड बालकनी, बोथ साइड ओपन अपार्टमेंट है आपका, दोनों साइड से आपको लाइट एंड वेंटिलेशन प्रॉपर आता रहेगा, क्रॉस वेंटिलेशन होती रहेगी। इसका साइज भी काफ़ी अच्छा आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 6 feet वाइड बालकनी रहेगी आपकी ये। फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़ आपका जो रेलिंग है वो भी काफ़ी अच्छा आ जाएगा। एंड द बेस्ट थिंग गाइज, यहाँ पे आपके जितने भी टावर्स रहेंगे उनमें आपको दोनों साइड से वेंटिलेशन मिल रहा है, लाइक पीछे भी आपका जो टावर टू टावर गैप है वो 35 feet का रहने वाला है एंड आगे आपके जो रोड आ जाएंगे वो 65 feet के रहेंगे। आफ्टर अ बालकनी यहाँ आ जाता है हमारा वॉशरूम। सो गाइस देख लीजिए काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम बना हुआ है। स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो आपका बेसिन है यहाँ पे, वैनिटी है, योर सीट, योर गीजर एंड यहाँ पे एग्जॉस्ट के लिए आपको स्पेस मिल जाएगा। आपका शावर एंड टैप्स आपके प्रॉपरली यहाँ पे फिटेड हैं, आपको एज इट इज़ मिलेंगे। वॉल लेंथ की अगर बात करेंगे, यहाँ पे भी आपका पूरा फिनिश्ड जो है वो टाइल आ जाएगा, काफ़ी बड़े साइज का टाइल है। फ्लोरिंग आपकी सारी एंटीस्केट यहाँ पे भी रहने वाली है।
सो गाइज ये था हमारा थर्ड बेडरूम। इसी के साथ आज के हमारे सिंपल अपार्टमेंट का टूर कंप्लीट होता है, विच कम्स इन द साइज ऑफ 1950 स्क्वायर फीट। आपको ये अपार्टमेंट परचेज करना है, आप ये भी कर सकते हैं। इससे छोटा चाहिए वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, इससे बड़ा लेना है वो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपार्टमेंट बाय कर सकते हैं। मल्टीपल अम्यूनिटीज आपको मिल जाएंगी, क्लब हाउस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है विद स्विमिंग पूल। एंड लोकेशन की बात की जाए तो दिल्ली अम्बाला हाईवे पे लोकेटेड है, जो आपका काफ़ी बिजी हाईवे है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि सारी चीज़ें, जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं, वो आपको यहाँ पे ईजिली अप्रोचेबल रहने वाले हैं। सारी चीज़ें आपको नियर बाय में मिल जाएंगी। सो गाइज आपको ये अपार्टमेंट कैसा लगा है पूरा दिखा चुकी हूँ अब मैं आपको, एंड आपको मैंने बहुत सारे आइडियाज़ भी दे दिए हैं कि आप अगर यहाँ पे अपार्टमेंट परचेज करेंगे तो उसको किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। एंड अगर आप वैसे भी अपने रूम्स डेकोरेट करना चाहते हैं, अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं, तो मल्टीपल आइडियाज़ आई एम श्योर आपको यहाँ से मिल गए होंगे। आपको ये अपार्टमेंट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपार्टमेंट परचेज करना चाहते हैं, इसको विजिट करना चाहते हैं, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सुंदर से घर के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।